दोस्तों अब मैं आपको एक बहुत ही अजीब सी बात बताने जा रहा हूँ। दोस्तों हमारी अर्थ की भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर लाइन वो साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के कुछ देशों के ऊपर से गुजरती है। अगर आप इन देशों में इस इक्वेटर लाइन पर जाते हो या इसके आसपास भी भटकते हो तो आपके साथ कुछ अजीब होने वाला है, बहुत ही अजीब। चलो मैं आपको साउथ अमेरिका के इक्वाडोर की इक्वेटर लाइन पर ले चलता हूँ। यहाँ पर अगर आप जाओगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों यूजली जब वॉश बेसिन पानी से भर जाता है तो वो गोल गोल भवंडर की तरह घूम के नीचे की ओर चला जाता है और खाली हो जाता है। लेकिन अगर आप इस इक्वेटर लाइन पर वॉश बेसिन के पानी को बाहर निकालोगे तो वो गोल गोल नहीं बल्कि सीधा नीचे जाएगा, वो डायरेक्ट नीचे जाएगा, भवंडर नहीं बनेगा। दोस्तों इसे कोरिओलिस इफेक्ट कहते हैं, जो इक्वेटर के ऊपर ही होता है और कहीं नहीं। और इसी इक्वेटर लाइन पर हर साल दो बार आप अपनी परछाई तक को नहीं देख पाओगे, आपकी परछाई पूरी तरह से गायब हो जाएगी क्योंकि सूरज एकदम सर के ऊपर होता है। और आपको यहाँ पर घड़ी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी टाइम देखने के लिए, बस सूरज को देखकर आप समय का अंदाजा लगा सकते हो। लगता है आप अभी तक इस मैडम का इंतजार कर रहे हो, थोड़ा सब्र करो, आता हूँ इस पर भी। दोस्तों आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि इस एपिसोड का नाम है क्या बात है। हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अमृतपाल सिंह एंड यू आर वाचिंग बदमाश आइकॉन। तो ज्यादा टाइम का चुतिया ना करते हुए चल गुरु हो जाए शुरू। दोस्तों इस पेंटिंग को ध्यान से देखो, पर ध्यान से देखने से पहले आप इस वीडियो की क्वालिटी को 1080p या 4K पे कर लो। तो चलो अब दोबारा से इस पेंटिंग को ध्यान से देखो और अब मुझे ये बताओ कि आपको कुछ फील हो रहा है। दोस्तों इस वाली पेंटिंग में कुछ तो स्ट्रेंज है, कुछ तो अजीब है। जब आप इसे गौर से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इसके फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं। इस पेंटिंग को देखने से ऐसा लग रहा है इसके उदास चेहरे के एक्सप्रेशन शैतानी हंसी में कन्वर्ट हो रहे हैं। और कहते हैं अगर आप इस पेंटिंग को 5 मिनट तक देख लोगे तो 5 मिनट देखने के बाद इस लड़की के बाल काले और आंखें लाल दिखने लगती हैं। दोस्तों इस पेंटिंग के साथ एक कहानी भी जुड़ी हुई है। माना जाता है जापान की एक स्कूल गर्ल ने मरने से पहले इसे खुद अपने हाथों से बनाया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। पर कहानियां तो कोई भी बना लेगा। एक्चुअल में इस पेंटिंग को रॉबर्ट चैंग नाम के एक आर्टिस्ट ने बनाया था। जो इसमें लड़की है, जो उस आर्टिस्ट ने इस लड़की की फोटो बनाई है, वो अपने पिता की मौत पर मतलब मौत के बाद अब पिता के राज को संभालने वाली थी, मतलब अपने पिता की राजगद्दी को संभालने वाली थी। और यही क्रिएटिविटी है जिसकी वजह से उस लड़की के चेहरे पर गद्दी संभालने की खुशी भी है और पिता के मौत का गम भी। पर फिर भी स्ट्रेंजनेस इस पेंटिंग में झलकती है, एक शैतानी हंसी, गद्दी संभालने की हंसी। और हाँ 5 मिनट देख के जरूर बताना कि इसकी आंखें लाल होती है या नहीं, पर मुझे तो थोड़ा थोड़ा फील हुआ था, आप बताओ। दोस्तों ये बंदा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो इसका नाम है AC गुरुमूर्ति। ये एक पेंटर है पर ये अपनी पेंटिंग्स ब्रश से या पेंसिल से नहीं बनाता बल्कि इसने इन सभी पेंटिंग्स को सिर्फ एक पुराने टाइपराइटर की बदौलत पेंट किया है, मतलब प्रिंट किया है टाइप करके, जिसे वो अपनी बैंक की जॉब में बहुत यूज करते थे। वो अपनी बैंक जॉब के दौरान फ्री समय में ऑयल पेंटिंग बनाने का शौक रखते थे। फिर एक दिन उनके दिमाग में आया क्यों ना एक टाइपराइटर से एक पेंटिंग बनाई जाए। तब से उन्होंने 300 से भी ज्यादा टाइपराइटर वाली पेंटिंग बना डाली जिनमें पॉलिटिशियन से लेकर जानवर तक सभी की पेंटिंग्स शामिल है। और इन टाइपराइटर पेंटिंग को बनाना कोई आसान काम नहीं है, इस दुनिया में गिने चुने लोग ही इसे कर पाते हैं। अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो सारी पेंटिंग को दोबारा से बनाना पड़ता है क्योंकि इसमें बैक स्पेस का बटन नहीं होता। लेकिन गुरुमूर्ति जी इसमें अब महारत हासिल किए हुए हैं। उनका यही सपना है कि उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो जाए। तो एक बार गुरुमूर्ति जी के लिए तालियां हो जाए। वैसे टाइपराइटर पर काम करने से एक फायदा तो जरूर होता था कि बंदे का कंप्यूटर स्क्रीन तो नहीं देखनी पड़ती थी। आजकल तो लोगों का काम ही कंप्यूटर, लैपटॉप और फोनों पर शिफ्ट हो गया है और इसके एक्सेसिव यूज की वजह से आंखों में सूजन और डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। मेरा भी थोड़ा थोड़ा वही हाल हुआ हुआ है, इसलिए तुम्हारा भाई अब यूज करेगा मामा अर्थ की न्यूली लॉन्च्ड विटामिन सी अंडर आई क्रीम विद बिल्ट इन मसाजर, जो आपकी सूजी हुई आंखों को आराम देगा और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करेगा। एंड इट इल्यूमिनेट्स अंडर आईज एंड मॉइस्चराइजेस इट डीपली। एज यू नो विटामिन सी एंड गोटूगोला सन डैमेज को रिवर्स करता है और कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट, और आपकी आंखों को देता है फ्रेश अपीयरेंस। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली इट इज फ्री फ्रॉम सिलिकॉन, पैराबेंस एंड डाई। आप मामा अर्थ के विटामिन सी अंडर आई क्रीम को Amazon, Flipkart और नाइका से खरीद सकते हो, पर मामा अर्थ .in और मामा अर्थ की ऐप पर बदमाश 2021 कूपन कोड यूज करके 20% ऑफ ले सकते हो, वैलिड ओनली ऑन मामा अर्थ .in। मामा अर्थ के ऐप यूजर्स को सेल का अर्ली एक्सेस भी मिलेगा, मतलब एक्स्ट्रा डिस्काउंट। गाइस ओनली नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इज यूज्ड इन प्रोडक्शन विदाउट एनी हार्मफुल केमिकल। एज यू नो मामा अर्थ आपके हर ऑर्डर को एक ट्री के साथ लिंक करता है। उनके प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव के तहत उनका एम 2025 तक 1 मिलियन ट्री लगाने का है।
यू कैन ट्रैक द ट्री विद योर ऑर्डर आईडी। और मामा अर्थ प्लास्टिक पॉजिटिव है, वो हर महीने 120 मैट्रिक टन प्लास्टिक रिसाइकल करते हैं, जितना कि मामा अर्थ यूज भी नहीं करता। दोस्तों ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड गिव योर अंडर आईज फ्रेश अपीयरेंस। वाई किम सर वीडियो से उड़ते कर वीडियो ही मेरे मारो मिम सर वीडियो मारो बे ही वो उसने बस हो। कुछ समझ में आ रहा है या नहीं, मैंने कौन सी भाषा बोली अभी? रुको, ये कोई एडिटिंग मिस्टेक नहीं है, आप इसे डाउनलोड करके रिवर्स करके देखना कि मैंने बोला क्या, याद रखना। दोस्तों नॉर्थ कैरोलिना यूएसए में एक बंदा रहता है जिसका नाम है जॉन, जिसे बैकवर्ड्स मैन के नाम से भी जाना जाता है। वो इसलिए नहीं कि वो बैकवर्ड सोच रखता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बैकवर्ड गा और बोल सकता है। फॉर एग्जांपल ये जब भी बोलता है उल्टा बोलता है, जैसे कि ये सुन लो। कुछ पल्ले पड़ा नहीं ना। चलो अभी इसने जो जो कुछ भी बोला इसे रिवाइंड करके देखते हैं कि आखिर इसने बोला क्या। Sir Bjarkspas Nylem Knowing Vig Zeal In Skal Know We're Vet Everyone Likes Me Please give me 1,000,000 subscribers। तो हम normally जिस चीज को rewind करते हैं तो वो बकवास सा लगता है। I am speaking backwards। पर ये शख्स तो चलता फिरता rewinder है। Yes, near Lufthansa, Solubaf, Ilishka, the Yedis. Today is actually fabulous, beautiful spring day। दोस्तों ये बंदा दरअसल में ऑटिस्टिक है, इसलिए दुनिया से अलग सोच रखता है, मेरी तरह। एक दिन इसका रैकेट प्लेयर खराब हो गया था और वो गाने को उल्टा प्ले करने लग गया, और जॉन को बैकवर्ड गाना इतना ज्यादा पसंद आया कि वो साथ के साथ बैकवर्ड गाने लग गया, मतलब उस रैकेट के साथ साथ। और फिर उसे अपनी इस हिडन पावर का एहसास उसी दिन हुआ कि अगर वो कॉन्सेंट्रेट करेगा तो बैकवर्ड गा और बोल सकता है। वाओ, अगर आपका इस जॉन भैया से मन नहीं भरा तो चलो आपको मिलाते हैं एक और जॉन भैया से, जिनका पूरा नाम है जॉन मोशिट्टा जूनियर। वो वाला जॉन पीछे को बोलता है और ये वाला जॉन आगे को बोलता है, पर इतना तेज बोलता है कि आप समझ ही नहीं पाओगे। कुछ पल्ले पड़ा। दोनों जोड़ भैया की एक ही खासियत है कि जब भी ये दोनों अपना मुंह खोलते हैं तो सुनने वाले का पल्ले नहीं पड़ता, पर बात ऊपर से ही निकल जाती है। इस वाले की कहानी आप इसके मुंह से सुन लो। I was 12 years old growing up on Long Island. There was a cerebral palsy fair a few blocks away from my house, and they announced that they would donate $2,000 to cerebral palsy for anyone that broke a Guinness record. So at first I wanted to ride the roller coaster at Coney Island. मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया होगा, इसलिए मैं ही बता देता हूं। दोस्तों जब ये वाला जॉन 12 सालों का था तो इसे किसी भी तरह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना ही था, तो इसने अपने आप को 2 हफ्तों के लिए एक कमरे में बंद कर लिया और एक किताब को पढ़कर फास्ट स्पीकिंग की प्रैक्टिस की और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल करवाया। इसके बाद उसने करीब 700 से भी ज्यादा एड्स में काम किया, मिनट राइस गार्डन, मेडली, चाइनीज चिकन एंड सी फूड कैचेटोरी, मे बी वी मूव ऑन टू मेक्सिकन बीफ एंड राइस, मिनट, और 40 से भी ज्यादा देश घूमा। और इन भाई साहब ने माइकल जैक्सन के आई एम बैड सॉन्ग को सिर्फ 20 सेकंड में पूरा का पूरा बोल डाला, मतलब 3-4 मिनट का गाना सिर्फ 20 सेकंड में। तो इसी वजह से जॉन भैया ने फास्ट टॉकिंग को अपना ऑक्यूपेशन बना लिया। ऑक्यूपेशन से याद आया, इंडोनेशिया में एक बंदा है जिसके ना तो हाथ है ना ही पैर, और उसका नाम है अहमद जुलकरनैन। मुझे नहीं पता कैसे प्रोनाउंस करूं, आप खुद देख। दोस्तों बचपन में जब यह पैदा हुआ था तो इसके माता पिता ने इसके अपाइज होने की वजह से इसको नदी में फेंकने तक का फैसला कर लिया था, और सभी लोग उसे यूजलेस समझते थे। और जब यह 13-14 साल का था तो इसने खुद को मारने की भी कोशिश की थी, क्योंकि इसे भी लगने लग गया था कि ये किसी काम का नहीं है। उसे कोई अपाहिज बुलाए उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, जिसके बाद उसने ले लिया एक कैमरा, क्योंकि उसका कहना है कि उसे किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है, वो खुद ही अपना ध्यान रख सकता है। इसलिए वो फोटोग्राफर के साथ साथ मैकेनिक भी बन गया, और उसने एक ऐसी कार बनाई जिसकी बदौलत वो कहीं भी आसानी से ट्रेवल कर सकता है, और साथ ही साथ वो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, और बिना हाथ पैर के भी ये बंदा ऐसी ऐसी फोटोज खींच लेता है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दोस्तों ये सब फोटोज इसी ने खींची हैं। कोई कह सकता है कि ये फोटो किसी बिना हाथ वाले बंदे ने खींची हो, और लोगों को ये विश्वास नहीं होता कि ये पिक्चर्स इसने खुद खींची हैं। वाह, व्हाट अ ग्रेट फोटोग्राफर। ये रहा इसका इंस्टाग्राम, जाकर खुद चेक कर लो। दोस्तों जुल की इस कहानी को सुनने के बाद हमें ये पता चलता है, जो बंदा बिना हाथ पैरों के अपनी जिंदगी शान से जी सकता है, अपना करियर बना सकता है, और खुद की कार भी बना सकता है, और जिंदगी के साथ लड़ सकता है। मेरा कहने का मतलब है, एबिलिटी हम सब में है, कोई ना कोई तो है, बस उसे पहचानना पड़ता है, पर पहचानी जाती नहीं है।
है, बस कोशिश करनी पड़ती है, एक तरह से लड़ाई करनी पड़ती है खुद से अगर कामयाबी को हासिल करना है तो। जब पहली बार मैंने इस बंदे के बारे में रिसर्च की तो मेरा दिमाग चकरा गया। अगर मैं इसके बारे में सारी कहानी बताऊंगा तो हो सकता है आपका भी चक्कर आ जाए। तो मेरा मैसेज उन अपाहिज नहीं बल्कि उन स्पेशल लोगों के लिए है जिन्हें लोग अपाहिज कहते हैं। तुम खुद को किसी से कम मत समझना, तुम दूसरों से भी स्पेशल काम कर सकते हो, तुम नॉर्मल लोगों से ज्यादा हिम्मत लेकर पैदा होते हो। और बिल्कुल ऐसी ही हिम्मत दिखाई है हमारे जूल भैया ने, और इस दुनिया में इन जैसे जितने भी स्पेशल लोग हैं उनको हमारी तरफ से सल्यूट। दोस्तों अब मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं जिसका जवाब सिर्फ जीनियस बंदे दे पाएंगे। और हां आज का सवाल बिल्कुल बच्चों वाला सवाल होगा, पर सवाल पूछने से पहले आज का लाइक एम रख लेते हैं। गाइस आज का लाइक एम है 1,40,000 लाइक्स, मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप कर दोगे, तो ठोको लाइक। तो ये रहा आज का सवाल, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है, तो आ जाओ जीनियस बंदे। दोस्तों हमारी दुनिया में ऐसी कौन सी सब्जी है जिसमें ताला भी है और चाबी भी है ना, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल। जिसको इसका उत्तर पता है नीचे कमेंट कर दो, अगर नहीं पता तो इंस्टाग्राम पर मैंने वीडियो डाल दिया है इसके उत्तर के साथ, आराम से जाकर आप उत्तर देख सकते हो। पहले बता दूं जैसे ही आप इसका उत्तर देखोगे तो आपके तोते उड़ जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जमीन खिसक जाएगी। उत्तर पता है तो नीचे कमेंट कर दो, अगर नहीं पता तो ये रहा इंस्टाग्राम का यूजर नेम amritpalsingbwt, सर्च करो और उत्तर आराम से जाकर देख लो। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ठोको, और आज का लाइक एम तो मैंने मांग लिया तो ठोको लाइक। और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले टल्ली भी दबाएं ताकि वीडियो अपलोड होते हैं आपको मिल जाए, क्योंकि जो भी है सिर्फ इसी चैनल में और कहीं नहीं। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में महाकाल के आशीर्वाद से, तो बिना गाली दिए ओके बाय।